चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते जिंदगी के हर एक दाम। जाने जमाना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, वाह जिंदगी के दिवाली स्पेशल एपिसोड में मैं लवली गुप्ता आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वाह जिंदगी की पूरी टीम की तरफ से हम आपको देना चाहेंगे दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और इस स्पेशल एपिसोड में सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अंबुजा रियल्टी के चेयरमैन मिस्टर हर्षवर्धन नवेटिया से। जी हाँ, जिन्होंने बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने आप को एक मजबूत स्तंभ के तौर पर स्थापित किया है, जो बन गए हैं हमारे और आपके लिए प्रेरणा स्रोत। आइए वाह जिंदगी का एपिसोड दिवाली स्पेशल शुरू करते हैं हर्षवर्धन नवेटिया के साथ। इस दुनिया में अरबों लोग रहते हैं, पर इसमें कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जो दिखने में साधारण लगती हैं पर अपने विलक्षण गुणों के कारण विशिष्ट बन जाती हैं। और एक ऐसी शख्सियत के साथ आज हम कर रहे हैं एक छोटी सी मुलाकात, जिन्होंने ना सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे वेस्ट बंगाल को आधुनिक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज मेरे साथ हैं हर्षवर्धन नियोटिया। हर्षवर्धन नियोटिया का नाम जहन में आते ही एक गर्व का एहसास दिल को भर देता है। यह सोचकर कि केवल 47 की उम्र में इस शख्सियत ने 300 साल पुराने कलकत्ता शहर को नए आयाम दिए। हर्ष जी, क्रिएशन वाह जिंदगी में आपका स्वागत है। नमस्कार। हर्षवर्धन नियोटिया एक बहुत बड़ी शख्सियत, कैसा लगता है आपको? ये तो बात नहीं है, मैं तो अपने आप को साधारण मानता हूँ। खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं समझता कि अभी तक ऐसा कुछ कर पाया हूँ, लेकिन ये ठीक है कि बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिला और कुछ कोशिश की। अच्छा लगा कि कुछ चीज़ें लोगों को पसंद भी आई, पर बहुत दूर जाना है। सफलता की जिस ऊंचाई को आपने छुआ है उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो परिवार को ही जाता है, क्योंकि वहीं परवरिश हुई हमारी और मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो बहुत सारे मेंबर्स हैं और सब ने भरपूर प्यार दिया, उसके साथ शिक्षा भी दी, कुछ इंस्पिरेशन भी दिया, तो वो तो है ही। बाकी और भी लोग हैं जो हमारे सहकर्मी हैं, जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ, कुछ दोस्त हैं हमारे। कहा जाता है कि जिस प्रोजेक्ट को आप हाथ लगाते हैं वह हिट हो जाता है, इसका क्या कारण है? ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो सब यही समझते हैं कि जो भी काम हम लोग ने आज तक किया, कोशिश करी है कि कस्टमर क्या चाहता है उसको नज़र रखते हुए हम लोगों ने उसमें परिश्रम किया और उसको साकार करने का चेष्टा किया। ऐसे तो आपके सभी निर्माण अव्वल है, पर आपकी नज़र में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक इमोशन इन्वॉल्व होता है हर प्रोजेक्ट में ही और वो अलग अलग समय में होता है। लेकिन यदि आप ऐसे पूछें तो मैं रायचक वाले प्रोजेक्ट को विशेषतर बोलूँगा कि उसमें एक ज़्यादा कुछ हद से इन्वॉल्वमेंट रहा है। और किन प्रोजेक्ट्स को आप उज्जवल मानेंगे? मैं समझता हूँ मैंने सबसे पहले एक छोटा सा ही प्रोजेक्ट किया था, वो है कॉन्क्लेव बिजनेस क्लब, तो वो एक ढंग से टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि वो पहली बार हम हॉस्पिटैलिटी लाइन में आ रहे थे, हम लोग
परिवार में भी कोई उसका एक्सपीरियंस था नहीं, मैं उस समय सिर्फ 25 बरस का था। फिर स्वभूमि जब बनाया तो वो भी हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वो एक अर्बन रीजनरेशन प्रोजेक्ट था, जो एक कूड़ा की ढीपी जो अपने शहर के बीच में थी उसके ऊपर हमने कोशिश किया एक हेरिटेज पार्क तैयार करने का। उदयन जो हम लोग का सबसे प्रथम हाउसिंग प्रोजेक्ट था, उसी से काफ़ी पब्लिसिटी मिली हम लोगों को, क्योंकि देश विदेश से भी लोग आए। वो एक मॉडल हाउसिंग के तौर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका घोषणा करी, तो उस कारण से हम लोग काफ़ी पब्लिसिटी भी मिली और उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस भी मिला। फिर ऑफ कोर्स हम लोग जहाँ बैठे हैं इको स्पेस, ये मेरा प्रथम एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और इसके बारे में खूब कम जानकारी थी। फिर हम लोगों ने काफ़ी स्टडी करी और एक वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर में ये क्लब क्रिएट किया, जिससे जो लोग यहाँ काम करते हैं उनको कुछ फैसिलिटीज़ मिले खाने पीने के, लोगों को से मिलने का, एंटरटेनमेंट का, और विशेषकर सेहत के लिए। तो हमारे पास यहाँ जिम और स्विमिंग पूल और विभिन्न रकम के फैसिलिटीज़ हैं। यह तमाम प्रोजेक्ट सिर्फ वाणिज्य की दृष्टि से ही सफल नहीं थे, बल्कि कला, विज्ञान एवं वाणिज्य का एक अद्भुत नमूना भी थे। इनकी पुष्टि उन पुरस्कारों से होती है जो इन्हें प्रोजेक्ट्स के लिए मिले हैं। आपको जब पद्मश्री से सम्मानित किया गया, आपने कैसा महसूस किया? बहुत दिन पुरानी बात है, लेकिन सबसे पहले तो एक अचंभा सा हुआ, और फिर धीरे धीरे जब इसको समझ पाया तो बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ में ये भी समझ में आया कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। हर्षवर्धन ने मधु नियोटिया में एक आदर्श जीवन साथी को पाया। मधु नियोटिया पेशे से एक उत्साहिक समाज कार्यकर्ता है और नियोटिया परिवार के भागीरथी फाउंडेशन को चलाती है। हर्ष जी, अभी तक तो आपकी बात हुई, अब मैं और हमारे दर्शक मिसेज मधु नियोटिया के बारे में जानना चाहेंगे, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो यही कहूँगा कि वो बहुत बड़ी सपोर्ट है हमारे जीवन में, काम में, और विशेषकर परिवार को एक प्यार भरा एटमॉस्फेयर में रखने का उनका बड़ा एक योगदान है। बिजनेस के अलावा इनकी रुचि कला, संगीत एवं संस्कृति में बहुत गहरी है। आपके शौक क्या क्या है? किताब पढ़ना, हिंदी मूवी देखना, म्यूजिक, आर्किटेक्चर। आपका फेवरेट मूवी एंड फेवरेट गाना कौन सा है? थ्री इडियट्स बहुत अच्छा लगा मुझे। गाना है भारत मुझको जान से प्यारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी रिद्धि सिद्धि पाने के बाद भी हर्षवर्धन एक विनयशील और नम्र व्यक्ति हैं। मिस्टर नियोटिया के साथ मैं काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हूँ। क्वालिटीज़ तो उनमें काफ़ी सारे हैं, जिनका मैं जिक्र कर सकती हूँ। वो ये कि वो अपने सारे काम को बहुत पैशनेटली करते हैं, कुछ हट के बिजनेसमैन हैं, और हम लोगों को नॉट जस्ट एज अ बॉस बट एज अ इंसान ऑल्सो बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। भगवान और भाग्य पर आपको कितना भरोसा है? ईश्वर तो बहुत बड़ी चीज़ है और मैं विश्वास करता हूँ कि उसके बिना अपने कितना ही कुछ कर लो, उनका कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई तरीके का प्रभाव तो रहता ही है। हर्ष जी, आप क्रिएशन वाह जिंदगी के इस एपिसोड के हिस्सा बने, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू जी, धन्यवाद, नमस्कार। इतनी शोहरत पाने के बाद भी इनके पांव जमीन पर टिके हुए हैं, और ऐसे ही व्यक्ति छोड़ जाते हैं जमीन पर अपने कदमों के निशान, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। तो हर्षवर्धन नेवेटिया से थी ये हमारी एक छोटी सी मुलाकात। आगे भी हम आपको मिलवाते रहेंगे ऐसी ही बड़ी हस्तियों से। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक वाह जिंदगी में, लौटते हैं जल्द।